तो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। तो अपने हम FS गेम प्ले में चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम राजू की जो कील पट्टे पे 3 कीले लिए थे हमने, तो उसमें अभी खेत जोत रहे हैं। तो यहाँ पे राजू की जो दूसरा वाला कीला, उसमें स्प्रे मार रहे हैं अभी हम। तो ये देखो हमारी जो कंपाउंड है कितनी गंदी हो रही है यहाँ से। इसको भी अभी धुलवाएंगे, अभी थोड़ा सा काम चल रहा है बहुत ज़रूरी, इसको धुलवाते हैं। धुलवाई क्या, इसमें बाद में ही धुलवाएंगे इसको। यहाँ पे जो राजू का 30 कील आ जाता है, तो यहाँ से कंपाउंड एक राजू के कीले में से गेहूँ को काटेगी, फिर इसका जो भूस बन रहा है इसको हम ट्रॉलर में भर के ले जाएंगे। जो कंपनी वो पूरी ओवर हो गई है, तो जो हमारा जॉन डियर ट्रैक्टर है उसको ले चलते हैं। और यहाँ पे जो ये सफ़ेद कलर का ट्रॉला खड़ा है इसको ले के चलते हैं, और इसमें फिर गेहूँ को फिल करते हैं। जो तो हम आ गए हैं राजू के किले में, अब वो गेहूँ को फिल करते हैं ट्रॉली में। जो जो मैंने जो ये थोड़ी सी जो वीडियो की जो लाइन है वो थोड़ी सी जल्दी कर रखी है, तो इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो खड़ा करते हैं और चलते हैं वापस से अपने जो खेत है उसको जोतते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे मारते, क्योंकि यहाँ से जो ट्रैक्टर वो मोड़ नहीं पाता, जो राजू है यहाँ से वो मोड़ नहीं सकता। तो हमारे जो सेकंड किला है थोड़ा सा रह रहा है, फिर इसको बोएंगे। भाई इस कंपनी की आप हालत है वो देख सकते हो, कितनी ज़्यादा मिट्टी में हो रही है। इससे मैंने कम से कम 10-20 कीले तो वो कर दिए हैं। तो भाई आपको द्वार से दिखाते हैं, इस कंपनी की हालात देख सकते हो आप, इस ट्रैक्टर की भी देख सकते हो। मेरे पास जितने भी व्हीकल्स हैं या फिर जितने भी सामान हैं वो सभी मिट्टी में हो रखे हैं। भाई ये हमारी भूस बनानी मशीन, मतलब ट्रॉला, ये इसमें नीचे की साइड एक मशीन लगी है छोटी सी, तो इससे हमारा जो ट्रॉली में जो भूस है वो फिल हो जाएगा। फिर हम इसको बायोगैस जो कंपनी है उस पर ले जाएंगे, क्योंकि तो इसका हमारे पट्टा भी देना है ना किले का। तो यहाँ पे हमारा गेहूँ कलता है यहाँ पे। तो ये छोटा जो ट्रैक्टर है ये अभी इसको खींच नहीं पा रहा, सिर्फ ओनली 8 की स्पीड पे है। तो भाइयों स्प्रे हमारे खेत में हो चुकी है पट्टे वाले पे, अब इसको ले चलते हैं और वापस जो कंपाउंड खड़ी है वहाँ पे इसको खड़ा कर धरते हैं, मतलब कुछ मान लो आप। लाल लाल से निशान आ रहा है, कंपन कुछ देख रखी है, और एक कंपन के आगे जो ट्रॉला है वो आ गया है। ट्रॉली को हटा से उसको टक्कर मारते हैं पीछे से, क्योंकि जो कंपन है वो मुड़ नहीं पाएगी, यहाँ से इतना स्पेस नहीं है। एक या दोनों ट्रॉला हट गई एक बार में। अब इस ट्रॉली को पीछे लेके आते हैं बैस खड़ा करके। अभी जो ये सेकंड ट्रॉला है इसको भी हटाते हैं। भाई यहाँ पे इसकी हालत भी देख सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कितने कीले भूस इससे ढोया है, आप देखना एक बार। तो दूसरा पार्ट आएगा नेक्स्ट 3 दिन बाद, उसमें देखना है। अभी कंपाइन वो द्वार से चालू हो चुकी है। तो भाई जो मैंने पट्टे लिए हैं वो 2,000 के हिसाब से लिए हैं, और जो किले में जो गेहूँ निकलता है वो 15,000 निकलता है, और जो स्प्रे विप्रे और उसका खर्चा वो 8,000, कुल मिला के 3-4 हज़ार की जो बचत हो रही है बस। जो एक कंपनी ली है जिसकी हालत कितनी बुरी देख सकते हो ना आप, ये मैंने 4 लाख के लिए, मतलब कि इसका टोटल सामान जो 5 लाख में आया है। इसको ले चलते हैं राजू के दूसरे किले के पास। तो ये रहा इसका दूसरा किला, पर हमारा तो एक ही किला है, वो भी और सामने वाला राइट साइड है। यहाँ पे इतने व्हीकल्स मैंने खरीद चुका हूँ, फिलहाल मेरे पास 2,10,265 जो है रुपये हैं,
और इसमें भी ये क्या कंपाउंड है वो, अगला चौथा किला भी ये हमारा, दो किले हमारे दो राजू के हैं, जो यहाँ से जो क्या कहते हैं अकल्प मीटर को ले चलते हैं। जो किला है वो जो कहा बीच में से रह गया है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको यहाँ से, फिर इसको खड़ा कर देते हैं। अब इस ट्रैक्टर को ले चलते हैं। अब तो भाइयों यहाँ से ट्रॉला को ले चलते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड है वो पूरी ओवर हो गई है, और ट्रॉले में जो गेहूँ को फिल करते हैं, क्योंकि ट्रॉला भी है वो 45% मतलब आधा भर चुका है। तो ये भी मैंने जो ट्रॉला, ये कम करीबन 1,70,000 के 90,000 का लिया है मैंने भाई। थोड़ा सा और पीछे लगाओ भाई, कालू पे ट्रैक्टर वो चलाना नहीं आता। और जो चीकू हुआ है ये हमारी कंपनी चला रहा है, इस पे थे हम खरीद के लाए हैं, और दूसरी कंपनी है वो भी हमारी है। तो ये आप इसका हत्ता देख सकते हो कितना बड़ा है, ये 3-4 बार में किलो को सफा कर देती है। तो देख सकते हो भाई ये कितनी गंदी हो रही है। और जो हमारा किला खुद का उसमें चलाते हैं कंपनी को, क्योंकि भाई जो ये कंपनी किस टाइम पर निकाली है हमने, क्योंकि 5 लाख रुपये बाद हमको ना मिला है, क्योंकि किले में जो बचा थोड़ी 4-5 हज़ार की हो रही है, इसलिए मैं किस टाइम पर निकाल ली है। तो और भी कल से वो हमारे खुद के, वो हमने खुद ने खरीदे हैं। तो भैया आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ, इसमें ऐड आती है, उसमें 25,000 रुपये मिलते हैं, ऐड 30 मिनट की, 10 मिनट की, या फिर 5 सेकंड की ऐसे आती है, जिसमें 25,000 का हमें फ़ायदा हो जाता है। वो एक टक्कर मार दी कालू ने, कालू अच्छा ड्राइवर नहीं है, कुछ और को चीकू को लगाते हैं। तो गाइस मैं लेके चलता हूँ अपने ट्रॉले को, इसमें भी क्या जो वो गेहूँ फिल करवाने हैं, 91% है अभी। तो ये का जो ट्रॉला वो फुल भर गया है। अब चलते हैं इसको मंडी लेके, अब देखते हैं कितने 1,000 रुपये जो आते हैं हमारे पास। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स सभी को इस मंडी के यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, यहाँ से कोई चोरी भी नहीं होगा, वहाँ से पैसे कोई भी ले जा सकता है। तो हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है, तो भाइयों हमको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ है 52,000 रुपये जो हमारे पास वो आ गए हैं। और जो ये भूस बनाने मशीन है इसको भी ले चलते हैं, इसको फिर भूस बनाते हैं, क्योंकि ये भी 100% हो गई है, ये भी पूरी भर गई है। तो भाई देख सकते हो जो ये किला है मैंने 2.5 लाख का लिया है, ठीक रुपये से तो खरीद ही लिया है मैंने हमेशा के लिए। तो भाइयों मैं अभी जो ये भूसा इसको खिलाने जा रहा हूँ काऊ के लिए, जो जो हमारी गऊ माता है वो इस चारे को खा सकती हैं, और फिर हम दूध अगले जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम दूध को बेचने जाएंगे, तो आपको बताएंगे दूध में कितना प्रॉफिट होता है। यहाँ पर जो है घास है वो यहाँ पे जा रही है। तो देखो गाइस ये तो फिल हो गया, अगले में सेकेंड उसमें ले चलते हैं। तो इसमें हमको प्रॉफिट हुआ है, अभी बताते हैं।